झारखंड ने महागठबंधन को बहुमत दिया है। बहुमत मिला तो जश्न भी हुआ, पर इसमें सबसे सादगी भरे जश्न ने लोगों का मन मोह लिया। एक शख्स ऐसा था जिसके सिर पर सत्ता का ताज रखा जाना है, पर वो शख्स माँ पिता के सामने साइकिल चलाकर खुशियां मना रहा था। जनता ने बहुमत दिया तो कांग्रेस से लेकर जेएमएम और रांची से लेकर दिल्ली तक जश्न मना। कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, मांदर बजे, ढोल बजे, ताशे बजे, जमकर नाच हुआ, पटाखे फूटे। पर वो कहते हैं ना, सादगी सबसे ज्यादा आकर्षक होती है, तो हर जश्न के ऊपर भी भारी पड़ा हेमंत सोरेन का सबसे सिंपल सेलिब्रेशन। आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के परिश्रम और समर्पण का ये परिणाम है। इस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था, आज उन उद्देश्यों को पूरा करने का वक्त आ गया है। हेमंत बिना शोर शराबे के सीधे शिबू सोरेन की आवाज पहुंचे। माँ रूपी सोरेन पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया, पिता के साथ धूप में बैठे, राजनीतिक बातचीत हुई, फिर साइकिल दिखी। चुनावी अभियान की थकावट तो थी, लेकिन हेमंत ने साइकिल उठाई और चलाने लगे। नया अध्याय शुरू होगा इस राज के लिए, और इस राज के लिए ये अध्याय, ये वक्त जो होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। झारखंड ने महागठबंधन को बहुमत दिया है, दंभ को चूर किया है, और अब नई सरकार की रूपरेखा पर चर्चा भी शुरू हो गई है। उम्मीद है लोकतंत्र मजबूत रहेगा हमेशा की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।